जो आज मैं आप लोगों को भूमि विश्लेषण के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले देखिए भौतिक राशियों की बीमाओं के बारे में। देखिए बीमाएँ क्या होती हैं, बीमाएँ घातें होती हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएँ बेघातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, तो पावर्स को ही कहते हैं बीमाएं। ठीक है, यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी में भौतिक राज की बीमाएं लिखने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप के मात्रकों को क्रमशः यल, यम, टी, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई को यल से, द्रव्यमान को यम से, समय को टी से, ताप को थीटा से। ठीक है बच्चों, अब देखिए, यदि किसी भौतिक राशि की बीमाएं लंबाई में ए, द्रव्यमान में बी, समय में सी तथा ताप में डी हो, तब उस राशि की बीमाओं को कैसे लिखेंगे? एल की पावर ए, एम की पावर बी, थीटा की पावर डी और टी की पावर सी। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, अब आप लोग देख सकते हो कि ये जो चीज़ है, ये चीज़, ये पूरा ये उसको भूमीय समीकरण या भूमीय सूत्र कहते हैं। भूमीय सूत्र कहते हैं कि, और ये जो ए और बी सी ये घाते हैं उनको बीमाएँ कहते हैं। ठीक है बच्चों, मेन चीज़ समझ लीजिए कि ये बहुत लोगों के कन्फ्यूजन रहता है कि ये जो पूरा है इसको कहेंगे बीमा। बीमा नहीं है, बीमा केवल पावर्स होते हैं। ठीक है, और पूरा जो होता है तो भूमीय सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इसमें देखेंगे कि कुछ मेन जो राशियां हैं, कुछ भौतिक राशियों के भूमि सूत्र जो दिए गए हैं। ठीक है, भूमि सूत्र जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? भूमि सूत्र जानने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बना ली है, क्षेत्रफल का, जैसे लंबाई चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है सूत्र, तो इसी प्रकार से ये सब पहले भौतिक राशियाँ लिखी हैं, फिर उसका जो सूत्र और उनका भूमि सूत्र। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इसमें क्षेत्रफल की लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो बेसिक है, ये सबको पता ही होंगे, आयतन और मतलब वेग चाल। अब इसमें एक चीज़ देखिए, सूत्र में जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई है, तो इसमें लंबाई को भी यल से लिखते हैं, चौड़ाई को भी यल से लिखते हैं, कोई भी डिस्टेंस मीजर करते हैं तो उसको यल से लिखते हैं। लंबाई जो चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, त्रिज्या हो, व्यास हो, सब को यल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यल इंटू यल क्या हो जाएगा? यल की पावर टू। ऐसे आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो तीन बार यल आ गया, मल्टीप्लिकेशन में तो यल की पावर थ्री हो गया। अभी इसी तरह से बेग देख लिए, बेग अथवा चाल, बेग चाल में केवल यही डिफरेंस होता है कि बेग जो होती है सदिश राशि होती है, अवचाल आदिश, तो इसका विस्थापन बटे समय हो जाएगा, अवचाल का हो जाएगा दूरी बटे समय। ठीक है बच्चों, अब इसका दूरी का यल और समय का टी, और टी ऊपर जाएगा माइनस वन हो जाएगा, यल टी माइनस वन। ठीक है बच्चों, भूमीय सूत्र जो है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटर में भी बीमाओं का काफ़ी यूज होता है। ठीक है बच्चों, आप देखें दूसरा पेज देखते हैं, दूसरे पेज में देखते हैं त्वरण की बीमा है। ठीक है, त्वरण की बीमा, त्वरण का वेग परिवर्तन बटे समय, तो वेग की ऊपर लिख लेंगे, नीचे समय की टी, तो एल टी पावर माइनस टू हो जाएगा। फोर्स की इसी तरह से, द्रव्यमान टू त्वरण, त्वरण की एल टी माइनस टू और द्रव्यमान की एम। ठीक है, शुरू की एट या टेन तक याद कर लेंगे तो वो जो एट टेन बाद में यूज होती है तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। जैसे ये बल है, बल में त्वरण की यूज हुई है ऊपर से, पता है हम लोगों को, हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। और द्रव्यमान की हम इसी तरह कार्य में बल इंटू विस्थापन, बल की बीमा यूज हुई है ऊपर से पता है, तो यहाँ पे एम एल टी माइनस टू इंटू विस्थापन की यल होगा, एम एल टू टी पावर माइनस टू। इसी तरह से पावर की, संवेग की, इसी तरह से हम लोग देख लेंगे। फिर देखिए, यह इम्पॉर्टेंट है, दाब बल बटे क्षेत्रफल,
ये देख लीजिए, बल्कि भी मैं पुट कर दिया नीचे से, बल्कि एल टू दोनों पता थे। अब ये एल टू ऊपर जाके माइनस का टू हो जाएगा, माइनस के टू में से बन जाएगा तो एम एल माइनस वन टी पावर माइनस टू। इसी तरह देखिए आप एक बराबर बल इन टू समय, बल्कि पुट कर देंगे समय की पुट कर देंगे टी एल टी माइनस वन। ठीक है बच्चों, बहुत ईजी है। बल आगुण देखिए, बल इन टू दूरी, शुरू कर देखिए प्रत्याशित गुणांक, ठीक है पृष्ठ तनाव, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए ये सब, और इसके बाद अगले देखिए देखिए बच्चों, अब कोणीय गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो बल इंटू दूरी का स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान बराबर, बल की पुट करो दूरी का वर्ग है, तो दूरी की एल होगी तो एल की पावर टू हो जाएगी, नीचे यम इंटू यम द्रव्यमान की यम डबल द्रव्यमान है तो यम इंटू यम एक बार टू हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस माइनस का टू और एक प्लस का बना है तो माइनस का बना जाएगा, यम माइनस वन एल की पावर तीन टी की पावर माइनस टू। कोण कोण की देखिए, कोण वाला चाप बैठे थे जैसे आपके अभी एल से करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कोई भी डिस्टेंस है तो उसको क्या करेंगे एल से करेंगे, तो त्रिज्या त्रिज्या को भी एल से, तो एल बटे एल तो एल की पावर जीरो जब भी महीन राशि हो जाएगी। ठीक है अच्छा, कोणीय वगैरह कोण वाले समय, ठीक है तो ये बीमाओं को समझते हुए ही हो गया बच्चों। अब देखिए इसमें तो बहुत ही चीज़ होता है, देखो जड़ता कौन है द्रव्यमान, द्रव्यमान को हमने बताया था कि हम से रिप्रेजेंट करते हैं, दूरी को कैच करते हैं एल से, एल की बार दो तो टोटल क्या जाएगा हम एल और दो। और ध्यान रखिए बीमाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा बड़े ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए बड़े ब्रैकेट का यूज़ होगा हमेशा, ये देखिए ये बड़े ब्रैकेट लगाया है तो सभी में बड़े ब्रैकेट का यूज़ होगा, ये भी देखिए बड़े ब्रैकेट का यूज़ होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब गैस नियतांक, गैस नियतांक का क्या होता है, गैस नियतांक का देखो तो दाब गुणे आयतन बटे ताप, इस तरह से याद ना हो जाए तो ऐसे याद कर लिया, अगर पी बी बराबर आर टी होता है फिर बराबर आर टी, तो गैस नियतांक आर आर बराबर क्या होता है पी बी बटे टी, पी बी बटे टी। ठीक है बच्चों, तो दाब गुणे आयतन बटे ताप। ठीक है आप देखिए इसी तरह दाब की पुट कर दो और वॉल्यूम की और उसके बाद टेम्परेचर की, एम एल टू टी पावर माइनस टू थीटा माइनस वन। ठीक है प्लैंक कांस्टेंट की अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की ऊर्जा अपान आवृत्ति। ठीक है ऊर्जा की एम एल टू टी पावर माइनस टू, नीचे टी पावर माइनस वन तो टोटल क्या जाए एम एल टू टी पावर माइनस वन। फिर देखिए शांता गुणांक की, बल बटे क्षेत्रफल वेग प्रवणता। ठीक है ये बल की लिखेंगे एम एल टू माइनस टू और क्षेत्रफल की और इसकी वेग प्रवणता की, टी माइनस वन होती है वेग प्रवणता की। ठीक है एम एल माइनस वन टी पावर माइनस वन ये आ जाएगी। ठीक है बच्चों, हम देखिए लाग नहीं श्यांता गुणांक, श्यांता गुणांक फिर उसमें चलता गुणांक उसमें चलता है उसमें ऊर्जा दूरी बटे क्षेत्रफल गुणित तापांतर गुणित समांतराल। ठीक है अब देखिए इसकी ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा की ये देखिए ऊर्जा एनर्जी, तो एनर्जी की तो एनर्जी वर्ग है ये सब इनकी एम एल टू टी पावर माइनस टू होती है, और ये डिस्टेंस दूरी की एल, क्षेत्रफल की ताप की और ये समय की टी, ये फिर आएगी टोटल एम एल टी माइनस थ्री टी थीटा माइनस टू। ठीक है अब देखिए बच्चों, अब अभी ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं तुम लोगों को कि बीमाएँ किसे कहते हैं, दाब जड़त्व अवगुण प्लांग नेतांक गैस नेतांक की बीमाएँ लिखिए। ठीक है और बीमाएँ रटने की कोशिश मत कीजिए, जैसे हमने बताया था फार्मूला क्या होता है, फार्मूले के हिसाब से निकालना सीखो जैसे मैंने बताया उसी तरह से। ठीक है बच्चों, आप कोई दिक्कत हो तो ये बताना हमें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।